न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से इतिहास के पन्ने पलटेंगे, लेकिन मेरी नजर में मेरे पत्रकारिता के करियर में 1989 एक बहुत अहम साल था। उस समय मैं एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार में काम करता था। एक साल के अंदर 3 महत्वपूर्ण घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला था। पहला मुद्दा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले से जुड़ी डेवलपमेंट्स का था। इसमें पहले रामशिला पूजन और उसके बाद शिलान्यास के प्रोग्राम थे। दूसरी कहानी डायरेक्टली पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी और इसका फिनाले 9वें लोकसभा चुनाव का था। इसमें राजीव गांधी की हार हुई और काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इन दोनों मुद्दों की बात मैंने एक रीसेंट एपिसोड में की थी। आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि तीसरे मुद्दे पर एक अलग सेपरेट एपिसोड करूंगा। यह घटना कश्मीर के इतिहास में एक वॉटरशेड इवेंट था। हालांकि इस घटना के पहले से कश्मीर में मिलिटेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कश्मीर एक अंतहीन स्पाइरल ऑफ वायलेंस में ट्रैप हो गया। उस साल 8 दिसंबर शुक्रवार का दिन था। श्रीनगर में काफी ठंड पड़ चुकी थी। दोपहर के करीब 3:30 बज चुके थे। एक 23 साल की मेडिकल इंटर्न अपने ड्यूटी खत्म करके लालदेड़ मेमोरियल हॉस्पिटल की बाहर निकली। बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद वो बस से आना जाना करती थी। बाकी दिनों की तरह भी उन्होंने बस स्टैंड पर थोड़ी देर इंतजार किया और एक मिनी बस आई तो उसमें चढ़कर घर के लिए रवाना हो गई। रुबैया सईद की ऑर्डिनरीनेस ही उनकी मुसीबतों की जड़ बन गई। कश्मीर में तब तक स्थिति डिटियोरेट कर चुकी थी और अगर कोई भी किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से कनेक्टेड था तो उसे अपने सिक्योरिटी के बारे में केयरफुल होना जरूरी था। और रुबैया तो कोई आम इंसान की बेटी नहीं थी। ठीक 6 दिन पहले उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद हिंदुस्तान के पहले मुसलमान होम मिनिस्टर बन गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का ये डिसीशन दरअसल उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इतने पॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सरकार इनहेरेंटली अनस्टेबल थी। इसी वजह से राजा साहब, जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को पॉपुलरली बोला जाता था, तय किया था कि वो एक नए सोशल कोलिशन बनाएंगे ओबीसी और मुसलमानों का। लेकिन वीपी सिंह को तो एक ऐसा मुसलमान नेता चाहिए था जो उनको चैलेंज ना कर सके। मुफ्ती साहब कश्मीर के नेता थे और 1950s से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। 1975 के इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला पैक्ट की वजह से कांग्रेस कश्मीर वैली में काफी वीकन हो गई थी। उसके बाद मुफ्ती सईद ने कांग्रेस को रीबिल्ड किया था। मगर जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने 1987 में समझौता कर लिया तो उनके हाथ खाली हो गए। फ्रस्ट्रेटेड होकर मुफ्ती सईद ने जन मोर्चा ज्वाइन कर लिया और एंटी राजीव के बैंड वैगन में शामिल हो गए। लेकिन कश्मीर में 1987 के रिग्ड इलेक्शन की वजह से लोगों का चुनाव पर से विश्वास टूट चुका था। कश्मीर घाटी की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव तो हुए मगर फार्सिकल थे। श्रीनगर सीट में एक कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और वो अनओपोज्ड इलेक्ट हो गए। बारामूला में तो पोल परसेंटेज मात्र 5.48% था और अनंतनाग में सिर्फ 5.07%। इसी वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े और लोकसभा के सदस्य बन गए। तो ये थी रुबैया सईद जो घर जा रही थी सुबह से ड्यूटी करके। घर ज्यादा दूर नहीं था,
बस एक दो जगह रुकी। कुछ लोग चढ़े मगर रुबैया का ध्यान उन नौजवानों पर नहीं आ गया। थोड़ी देर बाद बस अपने रूट से डेविएट हुई और तीन लोग उनको घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक नाम यासीन मलिक का था। उनके खिलाफ आज भी किडनैपिंग का केस चल रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुकी। उन तीनों ने अपने फिरन से बंदूक निकाली और रुबैया को उतरने को कहा। उनके पास और कोई चारा नहीं था। रुबैया अपहरण कांड शुरू हो गया और उनको पता चल गया था कि उनकी जिंदगी अब आम नहीं रहेगी कभी भी। इस घटना के इम्पैक्ट ने सिर्फ रुबैया सईद की जिंदगी को ही नहीं तहस नहस कर दिया, मगर इस घटना के बाद कश्मीर का इतिहास में नॉर्मलसी कभी आई ही नहीं। किडनैपर्स की डिमांड सिंपल थी, 5 JKLF लीडर्स को रिहा किया जाए और मकबूल बट के रिमेन्स को दिल्ली से तिहाड़ जेल से एग्ज्यूम करके श्रीनगर लाया जाए। रुबैया सईद का जब अपहरण हुआ था, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और इंग्लैंड में मौजूद थे। उन्होंने अपने विजिट को कट शॉर्ट करके श्रीनगर वापस आ गए, मगर किडनैपिंग से जुड़ी हुई तमाम नेगोशिएशंस सेंटर के कंट्रोल में थी। 2 मत थे। फारूक के ओपिनियन में किडनैपर्स की शर्त नहीं माननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार के हिसाब से प्रायोरिटी रुबैया सईद की जिंदगी और रिलीज का था। आखिर गृहमंत्री की बेटी थी और उनको कुछ हो जाता तो नई सरकार के लिए बहुत बड़ी हार होती। ये फैसला किसी एक नेता का नहीं था, बल्कि सब एग्रीएबल थे। इंदर कुमार गुजराल, जॉर्ज फर्नांडिस और आरिफ मोहम्मद खान खास तौर से नेगोशिएशंस के प्लान को बैक कर रहे थे। इस फैसले का समर्थन BJP ने भी किया। उस पूरे अध्याय में किसी भी मुद्दे पर पार्टी ने सरकार का साथ नहीं छोड़ा। अंत में केंद्र सरकार और एक बेटी के इंटरेस्ट और सेफ्टी को ज्यादा अहमियत दी गई। फारूक अब्दुल्ला ने इस प्रपोजल को अपोज किया था, मगर उनको तो समझा दिया गया कि अगर वो नेगोशिएशंस के प्रोसेस को अपोज करेंगे तो उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाएगा। फारूक मान तो गए, मगर उसके पहले उन्होंने IK गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान को कहा, आप लोग कश्मीर को बर्बाद कर देंगे। कश्मीर की कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला प्रोफेटिक थे, मगर इस प्रोसेस में उनकी भी भूमिका थी। By coincidence, दिसंबर 13 का एक अजीब सा वास्ता है हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मैटर्स के साथ। 2001 में संसद पर टेररिस्टों ने हमला किया था और इसके बारे में सब जानते हैं, मगर 1989 में ये वो दिन था जब भारत सरकार ने 5 JKLF के कैदियों को रिहा किया और कुछ घंटों के बाद रुबैया भी अपने घर पहुंच गई। हालांकि रुबैया सईद को पता नहीं था कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या भविष्यवाणी की थी। जब उनको गाड़ी से घर लाया जा रहा था, उन्होंने देखा कि किस तरह से कश्मीर और श्रीनगर की सड़कों पर उन्माद उभर आया था। लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे बजा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उनकी रिहाई पर नहीं बल्कि 5 मिलिटेंट्स के रिलीज पर। 122 घंटे कैद में रहने के बाद रुबैया घर जा रही थी। उस सुरक्षित पल में उनको पहली बार डर का एहसास हुआ। वे समझ गईं कि इन 6 दिनों में कश्मीर कैसे बदल गया था। गली गली में एक नारा लगातार गूंज रहा था, जो करे खुदा का खौफ उठा ले कलाशनिकोफ। क्या मिलिटेंट्स की रिहाई सरकार का ब्लंडर नहीं था? क्या इस घटना के बाद हिंदुस्तान को सॉफ्ट स्टेट कहा जाने लगा था? एक जमाना था जब फरवरी 1984 में इंदिरा गांधी ने नेशनल सिक्योरिटी और प्राइड को इंडिविजुअल सेफ्टी से ज्यादा अहमियत दी थी। इसकी वजह से इंडियन डिप्लोमैट
रविंद्र मात्रे को कश्मीरी मिलिटेंट्स ने लंदन में मार दिया था। उसके रेस्पॉन्स में मकबूल बट के डेथ सेंटेंस को तुरंत इंप्लीमेंट करके एक करारा जवाब दिया गया था। कश्मीर की कहानी में रुबैया सईद का अपहरण एक अहम अध्याय था। इस तथाकथित विक्ट्री के बाद मिलिटेंसी ने जोर पकड़ा और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की तैयारी करने लगी। बहुत हद तक मुफ्ती सईद और फारूक अब्दुल्ला की पुरानी राइवलरी की वजह से सेंटर ने जगमोहन को पुनः गवर्नर बनाकर भेजने का फैसला ले लिया। ये फैसला होते ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद फारूक अब्दुल्ला अपनी ऑफिशियल गाड़ी भी गवर्नर हाउस में छोड़कर चले गए। 19 जनवरी 1990 की रात एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की रात थी। मुख्यमंत्री और गवर्नर जनरल कृष्णा राव दोनों ही रिजाइन कर चुके थे। जगमोहन ने अगले दिन जम्मू में ओथ लिया। जब तक कि वो श्रीनगर पहुंचते, बहुत कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में पैरामिलिट्री एक्शंस में बहुत लोगों की जाने जा चुकी थी। श्रीनगर के छोटा बाजार इलाके में सर्च ऑपरेशंस रात भर चली। बहुत लोगों को कस्टडी में लिया गया। अगले दिन जब लोगों ने कर्फ्यू को डिफाई किया और आज़ादी के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल गए तो एक CRPF के ऑफिसर ने फायरिंग शुरू कर दी। चिल्लाकर उसने कहा, अगर लोगों को पाकिस्तान चाहिए तो वो देगा, और फिर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को हम लोग अपनाने लगे हैं, और अब इस बात पे तो लगभग आम राय सी बनती हुई जा रही है। उस फायरिंग में करीब 3 दर्जन लोग मारे गए। जगमोहन के आते ही आर्मी डिप्लॉय करने के आदेश दिए गए। स्थिति तब भी काबू में नहीं आई और कुछ ही महीनों में कश्मीरी पंडितों पर हमले होने लगे और इसके बाद उनका पलायन शुरू हो गया। इसके बाद से कश्मीर का भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं था। जानकारी अगर थी तो सिर्फ बीते हुए कल की। दुख की बात है कि 30 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि कश्मीर को आगे और क्या देखना पड़ेगा। नमस्कार।